जी तो दोस्तों आप लोग तो जी तो दोस्तों आप लोग तो बहुत आप तो भाई देखें अपने मुल्क से मोहब्बत करते नहीं है ना, कितनी अजीब सी बात। कोई आपको ये कहेगा तो कितनी आपको तकलीफ होगी, और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस बेसिस के ऊपर ये मुझसे इतनी बड़ी बात कर रहा है। इसकी वजह ये है कि आपको पता ही कुछ नहीं है, 2017 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 360 फिट का झंडा बनाया, और उसके अगेंस्ट में हमने 400 फिट का झंडा बनाया और ये मार्कर जीत लिया। बात यहां खत्म नहीं हुई थी, 2018 या शायद 2019 में इंडिया ने 418 फिट का झंडा बनाकर ये मार्कर जीत लिया, और ये बात साबित कर दी कि वहां के लोग जितनी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं शायद आप और हम शायद नहीं करते। लेकिन हम कहां फिर से रहने वाले हैं, हमें भी मुकाबला करना आता है और हम भी हराना जानते हैं सामने वाले को, खासतौर पर जब इंडिया की बात हो ना, तो हम कहां पीछे रह सकते हैं। अब की बार इंडिपेंडेंस डे पर जो कि तकरीबन 1 महीने के बाद है, हमने ये फैसला कर लिया है कि हम 500 फीट का, जरा ध्यान से सुनिएगा, 500 फीट, मैं 450 या 460 फीट की बात नहीं कर रहा हूं, हमने ये फैसला कर लिया है कि हम 500 फीट का झंडा बनाकर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये साबित करेंगे कि हम जितनी अपने मुल्क अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उतना कोई और मोहब्बत अपने मुल्क से कर ही नहीं सकता। लेकिन इस मोहब्बत की ना एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट क्या है, 400 मिलियन पाकिस्तानी रुपी। कैन यू इमेजिन कि जिन हालात में हमारा मुल्क गुजर रहा है और जिन हालात में एक आम बंदा अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जहां एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है और महंगाई अपने उरूज पर है, चीजों की कीमतें डबल हो गई हैं, वहां पर 400 मिलियन क्या अहमियत रखते हैं? क्या हम और आप अपनी मोहब्बत का, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार इसी तरह कर सकते हैं कि हम झंडे पे झंडा बनाते रहें और ये बात साबित करते रहें कि हम अपने मुल्क से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं? अगर यही पैसा हम फलाह बहबूद के लिए या अपने एक्सपोर्ट के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी पर लगाएं तो शायद हम सबको बेतहाशा फायदा हो। लेकिन हम, क्योंकि हमारा दायरा ही सिर्फ झंडे तक है और हम महदूद हो चुके हैं कि अगर साबित करनी है अपनी मोहब्बत को तो झंडा बनाकर दिखाओ, और इतना लंबा झंडा बनाओ कि पूरी दुनिया देखे कि देखो जी पाकिस्तानी अपने मुल्क से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। तो भाई टेक्नोलॉजी का क्या, एजुकेशन का क्या, एक्सपोर्ट्स का क्या, जहां इंडिया हमसे कोसों आ गए और हम शायद उसके करीबतर भी नहीं है, ना हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके करीबतर आ जाएं। यहां पर मुकाबला बराबरी का नहीं है। जब मुकाबला होता है ना तो इंसान या किसी भी मुल्क की कोशिश होती है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक के करीबतर तो आए, लेकिन हम है कि सिर्फ झंडा बनाने पर ही हमारी तवज्जो है और हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि शायद आने वाले वक्तों में ना ये झंडे की लंबाई हमें कभी भी तरक्की नहीं दे सकती। अभी देख लीजिएगा सोशल मीडिया पर 1 महीने के बाद ही इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बड़ी चर्चा हो रही होगी कि हमने ये झंडा बना दिया, लेकिन मुमालिक तो चांद पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, मुमालिक टेक्नोलॉजी में इजाफा किए जा रहे हैं, अपने आप को डेवलप किए जा रहे हैं, और हम हैं कि कपड़े के झंडे को, हालांकि ठीक है हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है वो, लेकिन उसकी लंबाई पर इजाफा करते जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क से जितनी मोहब्बत करते हैं कोई और हरगिज नहीं कर सकता। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये 400 मिलियन की अहमियत क्या है आपकी नजर में, और हम इस 400 मिलियन से इस झंडे के अलावा क्या कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।